विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और सीएम ने मांगा प्रस्ताव। यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। यहां पर बड़ी खबर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आइए पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों के समयबद्ध नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्तियाँ एक ही आयोग से होंगे। शिक्षक चयन आयोग की एकीकृत स्वरूप देते हुए निकाय के स्वरूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से गठन जल्द ही किया जाएगा। प्राइमरी व जूनियर स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में सीएम ने नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष सदस्यों की अर्हता, आयोग शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों की अवधि में विभिन्न चयन आयोगों की कार्य प्रणाली पर शासन स्तर का अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। आपको बता दें कि इस बदलाव से सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा। इससे पहले भी एकीकृत चयन बोर्ड का गठन की बात होती है ही है और वर्ष 2019 में इसका ड्राफ्ट तय किया गया था। ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि आपको जल्द ही शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। आयोग के अध्यक्ष समेत होंगे 12 लोग और 3 श्रेणी में भर्ती की योजनाएं शुरू की जाएंगी। योगी आज से 2 दिन मुंबई के उद्योगपतियों से मिलेंगे और ये रिपोर्ट यहां पर देख सकते हैं। एक बड़ा बदलाव, युवाओं को यूपीपीएससी में बार बार नहीं देना होगा ब्यूरो, यानी कि जो यूपीपीएससी के छात्र हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर एक बड़ी खबर, 50,000 रोजगार देगा फायर सर्विस। नया अधियाचन जारी हो चुका है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। फायर सर्विस एक्ट में लागू होने वाली राजधानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर फायर सर्विस एक्ट के अनुसार 15 मीटर से ज़्यादा ऊँचाई बिल्डिंग के फायर सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के नियम लागू किए गए हैं। प्रदेश भर में 2023 में फायर सेफ्टी अफसर की चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी एक बार फिर ब्यूरो देकर बार बार दे सकेंगे परीक्षा, यानी कि अब आयोग के अभ्यर्थियों को एक ही बार कराना होगा पंजीकरण। योगी बोले 5.5 साल में भर्तियाँ सुनिश्चित की जाएंगी जिससे कि पारदर्शिता बढ़ सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नौकरियों के लिए अब बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा। शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। नई वेबसाइट पर सूचनाएं एक साथ प्रसारित की जा रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है भीमा चित्रा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खत्म हो जाएगा चयन बोर्ड व उच्च शिक्षा आयोग का अस्तित्व, आइए जानते हैं ऐसा क्यों। नया उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की तरफ से गठित होने जा रही है और आपको बता दें कि पीएनपी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी काम होगा भार, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कम भार होगा क्यों होगा, प्रदेश की बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की भर्ती अब नया गठित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा एकीकृत नए आयोग के गठन। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। सीजीएल 2021 के कौशल प्रशिक्षण के 6 शहरों में आज से शुरू है, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से OTR अनिवार्य कर दिया जाएगा। गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम, संघ लोक आयोग की तरफ से बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक बार फिर से एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। OTR क्या होता है, आपको बता दें कि जिस अकॉर्डिंग आप UPSSC की तरफ से यानी कि PET का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते थे, जिसकी डिटेल से पूरा फॉर्म खुल जाता था, वही सेम डिटेल्स OTR में भी होगा। यानी कि OTR में आप एक बार अपना डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद आप चाहे जो फॉर्म भरेंगे उसी डिटेल से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या फ़ायदे होंगे, पूरी रिपोर्ट आपको दी गई है। अगली खबर की बात करें तो ये रहे आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन, जो कि हर पेपर की सुर्खियों में ये खबर छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश, यहाँ पर देख सकते हैं। UPSSC में बार बार नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन, यही खबरें हर पेपर, चाहे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सभी पेपरों में गूंज रही हैं, क्योंकि एक अच्छी कदम है और इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। अब आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करना हुआ आसान और बड़े आसानी से आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर अगली खबर है कि 9.5 लाख विधवाओं का पेंशन भी अटक चुका है। हालांकि ये एक बुरी खबर है, उन जितनी भी असहाय प्राणी की औरत हैं, महिलाएं हैं, उन सभी के लिए एक बुरी खबर है। क्यों है इस पूरी डिटेल्स में दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर बात किया जा रहा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 75 पद हैं असिस्टेंट्स के। अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो यहाँ से आप कर सकते हैं, 10 जनवरी आखिरी डेट है, 500 रुपये का शुल्क है। TFRI में ICFRI में भर्ती हैं 16 पदों के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, 10 जनवरी तक डेट है और 1100 रुपये का शुल्क दिया गया है। UPCL में जारी किया विज्ञापन जिसमें 160 पद हैं और यहाँ से आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय आंगनबाड़ी के भर्ती के लिए आवेदन भी जारी हो चुके हैं, आपके 52,000 पद यूपी में भर्ती हो रहे हैं। उसकी डिटेल्स की वीडियो मैं इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे रिलेटेड हमेशा खबरें प्रसारित की जाएंगी जो कि सही और सत्य होंगी। तो चलिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।